बंधु सनातन प्रेमियों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधु देखिए, हम हैं गणेश नगर में बैद जी का चौराहा, भारत माता चौक के पास में, जहां पर हो रही है भागवत कथा। और व्यासपीठ पे विराजमान है श्री पवन जी पारिक। आइए आपको कथा का श्रवण कराते हैं। जय श्री कृष्णा, जय सनातन, राधे राधे, राधे राधे। एक सौ आठ नाम का मतलब क्या है? 108 महाराज, 108 नाम है, इसलिए माला को मधम बनाते हुए और माला को मधम आधार और की माला लेकर के बैठते हैं। भगवान की जय हो। अपना ध्यान बिल्कुल ठीक नहीं लगना चाहिए, इसका हमें फल प्राप्त होता है, इसका भागवत में लिखा है। बात चल रही है, बड़े गौर से सुनने वाली बात है, आप सुनो। कथाएं तो आप बहुत सुनते हो, बहुत सुनते हो, लेकिन इस कथा के अंदर जो तत्व बात की, तत्व ज्ञान की जो बात चल रही है ना, काम की बात है, उसको आप गौर से सुनते जाइए। सत्यदेव ने राजा पृथ्वी को कहा कि महाराज, हमारा जो पांच तत्व से रचा हुआ शरीर है, इसके प्राण कितने प्रकार के? समागत, धनंजय, क्रिकल, उद्दान, नार। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा महाराज, राधे राधे। और 21 कितने आते हैं? बोले 21,600 आते हैं। 21,600 श्वास इस शरीर के नहीं होते हैं, हमारे शरीर के पूरे श्वास नहीं होते हैं। तो सुखदेव के राजा किसके होते हैं? बोले 6,000 श्वास तो होते हैं केवल गणेश। कितने गए? 12 गए ना। 6,000 श्वास होते हैं शिव जी महाराज के। 12 और 6 कितने हो गए? बोले 18,000 हो गए। और 1,000 श्वास होते हैं जीव और आत्मा के। और 1,000 श्वास होते हैं चैतन्य आत्मा के। और बाकी 600 जो श्वास होते हैं वो अपने शरीर के होते हैं महाराज। की छुट्टी हो जाती है और मरना भी पड़ता है। बोलिए भागवत भगवान की। ऐसा सुखदेव ने राजा भिक्षु जी को प्रेम से बताया। जितनी दूर तक आपकी आंखों की नजर दौड़ती है, उतनी दूर तक आपको ये संसार दिखलाई दे रहा है। और सत्य है महाराज, जब तक आंखें खुली होती है ना, तब तक तो संसार दिखता है, लेकिन जिस दिन आंखें बंद हो जाती है तो संसार को भी मिटना नहीं दिखता ना। जब आंखें बंद होगी संसार भी मिट गया, आंखें खुली है तब तक संसार है। राजा पृथ्वी ने पूछा, ऐसे कैसे महाराज बोल दी, मेरे समझ में नहीं आया। बोले मैं बताता हूँ, समझ नहीं आया तो समझाता हूँ। बोले समझाइए। बोले महाराज, ये राजन जिस तरह से ये संसार है, उसी प्रकार ये संसार रूपी एक वृक्ष खड़ा है, एक पेड़ खड़ा है। संसार एक पेड़ के समान खड़ा है, जिस प्रकार एक वृक्ष पृथ्वी के ऊपर, भूमि के ऊपर पेड़ खड़ा होता है, उस पेड़ के तना होता है, उस पेड़ की शाखाएं होती हैं, उस पेड़ की डालियां होती हैं, और डालियों के ऊपर फूल लगते हैं, फूलों के पत्ते लगते हैं, पत्तों के अंदर फल होते हैं, फल में बीज होते हैं, बीज पृथ्वी पर गिरते हैं और फिर पौधे उत्पन्न होते हैं। ये संसार के अंदर जीना और मरना ये प्रकृति का नियम बना हुआ है। दो चीज है, तीसरी है क्या बोलो? एक सुख और एक दुख। दो के आज का दुखी है तो कल सुखी हो जाएंगे, इसकी लीला है। करने वाला कौन है? भगवान है। दुख होने वाला महाराज, देने वाले कौन है? भगवान है। प्रभु की इच्छा होगी जितना लिखा मिलेगा, प्रभु की इच्छा नहीं है तो नहीं मिलेगा। आपके देने की औकात नहीं है महाराज। इंसान के अंदर भगवान का जब प्रवेश होता है, तभी भगवान धर्म के नाम पर दे पाता है। भगवान की कृपा नहीं होती तो उसके हाथ से धर्म भी नहीं हो सकता। तो शब्दों में तत्व ज्ञान के माध्यम से, तत्व ज्ञान के द्वारा राजा पृथ्वी को समझाते हुए कहते हैं कि राजा, 10 प्रकार के मनुष्य के शरीर में और द्वार होते हैं। कितने द्वार होते हैं बोलो? 10 द्वार होते हैं। 10 द्वार, उनमें से इराजन 9 द्वार प्रत्येक संसार के पुरुष के खुले रहते हैं, लेकिन 10वां जो द्वार होता है वो हमेशा के लिए बंद रहता है, वो खुला नहीं होता। और जिस पुरुष की अच्छी कमाई की हुई होती है और मृत्यु उपरांत उसके प्राण छूटते हैं, और प्राण छूटने की अपना प्राण छूटते वक्त उसके प्राण अगर 10वें महाराज इस 10वें द्वार के अंदर से निकल जाता है तो उसका तो कल्याण ही हो जाता है। बोलिए भागवत महापुराण की।